अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से और खुश होंगे बिल्कुल मेरी तरह। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आज की इस वीडियो में मैं आपको तीन दोस्तों की कहानी सुनाऊंगा। कहानी होगी तो मुख्तसर मगर बड़ी ही मायने खेज, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना और कहानी को सुनकर अच्छे से समझना और इसे अपनी रियल ज़िंदगी में अप्लाई करके देखना कि क्या वाकई ऐसा होता है या नहीं। एक ज़माने की बात है कि तीन दोस्त थे, वो तीनों स्कॉलर थे और अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन तीनों ने फैसला किया कि वो साल में कम से कम एक बार लाजमी मिला करेंगे। लेकिन अब की बार जब वो मिले तो हालात कुछ और ही थे। वो तीनों बूढ़े हो चुके थे और उन्हें अपनी इस उम्र का एहसास था। अब अपनी उम्र का एहसास करते हुए उनमें से पहला स्कॉलर बोला कि इस साल हम यहाँ पर इकट्ठे हैं, एक दूसरे की कंपनी इंजॉय कर रहे हैं, लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, लेकिन इस बात को कौन यकीन से कह सकता है कि अगले साल भी हम यहाँ पर इकट्ठे होंगे, दोबारा मिलेंगे। और उनमें से दूसरा स्कॉलर हंसा और कहने लगा, अगले साल? तुम मेरे दोस्त बहुत आगे की सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा ही अज्यूम कर रहे हो। मैं अभी तुम्हारे साथ हूँ, आज तुम्हारे साथ हूँ, मुझे कल का नहीं पता कि कल मैं आँख खोलूँगा या नहीं। और ये कहने के बाद दोनों तीसरे स्कॉलर की तरफ पलटे और उसकी तरफ देखने लगे जो कि खामोशी से बैठा हुआ था, और वो बोला, मेरे दोस्तों कल? तुम कल की बात कर रहे हो, मैं अभी तुम्हारे साथ हूँ, अभी ज़िंदा हूँ, मुझे नहीं पता कि इस सांस के बाद अगली सांस आएगी भी या नहीं। मैं जो सांस ले रहा हूँ कि हो सकता है कि ये मेरी आखिरी सांस हो। ऐसा ही कुछ हम अपनी हकीकी ज़िंदगी में भी करते हैं। कहानी थी तो बहुत मुख्तसर लेकिन बहुत ही मायने खेज। हम में से अक्सर पहले आलम की तरह अपनी ज़िंदगी की पैमाइश साल में करते हैं, लेकिन हो सकता है कि हमारे पास एक साल हो भी ना, हमारी ज़िंदगी के अहम वाकयात भी हम एक साल में याद रखते हैं। मतलब फलां बंदे को इतने साल की ज़िंदगी गुजार चुका है या इतने साल की ज़िंदगी और गुजारेगा, या फलां बंदे को फोत हुए इतने साल हो गए हैं, मैं इतने साल की स्टडी करूँगा, एक साल बाद हम सालगिरह मनाते हैं, और इसी तरह से हम लोग एनिवर्सरी एक साल तक मनाते हैं। तो हमारी ज़िंदगी के ज़्यादातर वाकयात को हम लोग साल के हिसाब से मेजर करते हैं। लेकिन कुछ लोग दूसरे स्कॉलर की तरह होते हैं जो कि जानते हैं कि ज़रूरी नहीं है उनके पास काफ़ी साल या इवन के उनके पास एक साल भी हो, वो ज़िंदगी को दिनों में गिनते हैं। हो सकता है कि कल उनके पास आखिरी दिन हो सकता है उनके पास चंद दिन बाकी हो। हम में से कोई भी नहीं जानता कि हमारे पास ज़िंदगी के कितने साल हैं, कितने महीने हैं, कितने दिन हैं, कितने घंटे हैं, कितने मिनट हैं, इवन के कितने सेकेंड्स हैं। तो यहाँ पर तीसरा स्कॉलर आता है जो कि जानता है कि वो जो सांस ले रहा है उसके बाद अगली सांस आएगी भी या नहीं। हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है, हम नहीं जानते कि हम किसके साथ कितना अरसे तक रहेंगे, हमारी ज़िंदगी कितनी है, कल होगी या नहीं होगी, अगले साल तक हम होंगे या नहीं होंगे। इसलिए कभी भी ज़िंदगी को साल में दिनों में मत जिए। आप जिस लम्हा जी रहे हैं उसी लम्हे को जिए, ज़िंदगी को सालों के बजाय दिनों के बजाय लम्हों में जीना सीखें, क्योंकि आप में से कोई भी नहीं जानता कि इस सांस के बाद अगली सांस आप लेंगे भी या नहीं, कल होगी भी या नहीं, अगले साल तक आप होंगे भी या नहीं। इसलिए इस लम्हे में आपके साथ जो भी हैं उनके साथ जिएं खुशी से, उन्हें एहसास करवाएं कि वो आपके लिए कितने ज़रूरी हैं और आप इस चीज़ के लिए कितने शुक्रगुजार हैं। अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को, जो लोग आपके साथ टच में हैं, जिन लोगों के साथ आपका कनेक्शन है, ठीक है, उन लोगों को इस चीज़ का एहसास करवाएं कि वो लोग आपके लिए ज़रूरी हैं, और जब आप उनके साथ हों तो उस वक्त को खुशी से गुजारें, उन लम्हों को जिए, ना कि आने वाले वक्त का इंतज़ार करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने वक्त का, अपने रिश्तों का, अपने दोस्तों का, अपनी नेमतों का खास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।